Now we are going to solve exercise B on page number 30. What is the name of question of exercise? Rewrite the following sentences after correcting the mistakes in them. हमें क्या करना है, सिर्फ उसमें से जो एरर्स है उसे ढूंढ, मिस्टेक्स है उसे ढूंढ के सही तरीके से लिखना है, ठीक है? फर्स्ट क्या है, सैम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू हिज होम, ठीक है? देखो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म क्या होना चाहिए फ्रेंड्स का, FRIENDS होना चाहिए, और यहाँ पे ES ऐड किया है। इस तरीके से हमें मिस्टेक्स फाइंड करनी है और फिर करेक्ट करके लिखनी है, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा, सैम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू हिज होम, लेकिन स्पेलिंग ये आएगा। फॉर एग्जांपल, सैम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू हिज होम, ठीक है? माई फूट्स आर इचिंग आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, ठीक है? तो अभी सोचो, फूट है तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फीट, है कि नहीं, करेक्ट या नो? और यहाँ पे लिखा है फूट्स तो वो गलत है, तो हमें सही आंसर क्या है, माई फीट आर इचिंग आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। फूट का हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में फीट। ठीक है, अभी थर्ड वन, द हेलस्टॉर्म कॉज्ड होल्स ऑन द रूफ्स ऑफ द हाउसेस, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, क्या है ये रोज है, यानी कि ये पहले तो था क्या, रूफ था, तो उसका उसने प्लूरल फॉर्म में क्या किया, एफ निकाल के VES ऐड किया, लेकिन हमने पढ़ा था कि रूफ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, रूफ्स, एस ऐड करते हैं, ये है हमारा एक्सेप्शन, तो हमें उस तरीके से लिखना है, ठीक है? द हेलस्टॉर्म caused holes on the roof of roofs of our houses, ठीक है? houses ठीक लिखा हुआ है ना? okay, full stop. मार्टिन एंड बैनी वेर फ्रेंड फॉर लॉन्ग टाइम। अभी देखो यहाँ पे वेर है, यानी ये फ्रेंड है, तो ये प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये गलत है, तो हमें आंसर क्या लिखना है, फ्रेंड्स। मार्टिन एंड बैनी वेर फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? नेक्स्ट वन, दिस ऑरेंजेस आर रोटन, ठीक है, यानी पकी हुई। तो ऑरेंजेस में क्या होता है, ऑरेंज होता है, तो हमें पीछे सिर्फ एस ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे ES ऐड किया हुआ है, यानी क्या आएगा, दिस ऑरेंजेस, सिर्फ एस ऐड करना होता है, ES नहीं, दिस ऑरेंजेस आर रोटन, ओके? नेक्स्ट वन, दिस ड्रेसेस डज नॉट फिट मी एनी मोर, ठीक है?
यहाँ पे देखो दिस ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? दिस। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है और ये हमें मिला है प्लूरल फॉर्म में, तो ये गलत है। दिस ड्रेस आएगा, डज नॉट फिट मी एनी मोर, तो हमें लिखना है दिस ड्रेस। ठीक है, ये चीज यहाँ पे गलत है। दिस ड्रेस डज नॉट फिट मी एनी मोर। ठीक है, ये हो गया करेक्ट आंसर। सम मंकीज ग्रीन्ड एट अस सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ठीक है, यहाँ पे देखो मंकीज का स्पेलिंग क्या है प्लूरल फॉर्म में, ये गलत है। और ब्रांचेस, तो ब्रांचेस का तो सही है लेकिन ये गलत है, तो हमें वो करेक्ट करना है। सम मंकीज क्या आएगा? ये मंकी सिंगुलर फॉर्म में है और मंकीज में सिर्फ एस ऐड करना होता है। द मंकीज ग्रीन्ड एट अस सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ठीक है, ये सही आंसर हो गया है। एंड लास्ट वन, बेबीज ड्रॉल अ लॉट व्हेन दे आर टीथिंग। ठीक है, इसमें क्या गलत है? बेबीज है, बेबीज का प्लूरल ऐसे लिखते हैं हम। बेबी का प्लूरल फॉर्म कैसे आता है? बी ए बी, अगर ये कॉन्सोनेंट है लेटर बिफोर वाई, तो हमें आई ई एस लिखना है। बेबीज ड्रॉल अ लॉट व्हेन दे आर टीथिंग। ठीक है, ये हो गया हमारी वर्कशीट 2। ठीक है, सॉल्व। सारे आंसर्स आपको दिख गए, वेरी गुड। ये हो गया हमारी एक्सरसाइज बी के आंसर्स, और एक्सरसाइज ए 7 तक मैंने सॉल्व कराई है, बाकी की आपको खुद से लिखनी है। ठीक है, आपको सेंटेंस कंपलसरी बनाने हैं। ओके।